Hey guys, what's up? Welcome to Unacademy. Let's crack UP exam. कुछ मेरे बारे में जानते हैं. I am Shalini Bansal. I have 3 years of teaching experience in different fields like IAS, PCS, SSC, NDA, CDS. अब बात करते हैं कि Unacademy आपको किस तरह से हेल्प करता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने में. तो Unacademy में होती है डेली लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस का यहाँ पे क्या मतलब है? तो आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हो लाइव, और यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो अपने एजुकेटर से. डाउट क्लियरिंग सेशन होता है यहाँ पे. आप साथ के साथ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो और आपको आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे. और लाइव टेस्ट क्विज होता है जिससे आपको समझ में आता है कि आपका टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, जो पर्टिकुलर टॉपिक आप जो पढ़ रहे हो उससे. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है कि आपके जो ये कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं एक्सक्लूसिवली आपके कोर्स को देख के कराया जाता है, आपके सिलेबस को देख के कराया जाता है. तो ये आपको सिलेबस को देख के प्रिपेयर कराए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. अनलिमिटेड एक्सेस है. आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप अनलिमिटेड टाइम किसी भी एजुकेटर का आप कोर्स देख सकते हो आपके पर्टिकुलर कोर्स में. आप एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप हजार बार देखिए, लेकिन टॉपिक क्लियर कीजिए. तो अनलिमिटेड एक्सेस है, बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको क्लास अटेंड करनी है. यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं. प्री मॉक टेस्ट का क्या फायदा होता है कि आप अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं, कितनी आपकी तैयारी हुई है और कितनी करनी बाकी है. तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि आपको ये बताता है कि आपका टॉपिक कितना ज्यादा क्लियर हुआ है. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपके स्कोर्स को देख के बनाया गया है. अब बात करते हैं कि अनअकैडमी में आप खुद को रजिस्टर कैसे करें. तो आपको अनअकैडमी में गूगल लर्निंग, आपको गूगल प्ले में जाके बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. और आप जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको वो अपना कोर्स का नाम डालना है, और आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो. आपके पास कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह है, पर ज्यादा रिकमेंडेबल है कि आप 12 या 24 मंथ का लीजिए, क्योंकि किसी भी एवरेज तैयारी में 1 से 2 साल लग जाते हैं. बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 साल के पहले ही तैयारी करके अपना अपना कोर्स कंप्लीट करके और एग्जाम क्लियर कर लेते हैं. मैक्सिमम लोगों को देखने को मिलता है कि 1 से 2 ईयर लग ही जाता है. 24 मंथ का आपका कोर्स ज्यादा रिकमेंडेबल है, क्योंकि देखिए आप जस्ट इसमें 1 मंथ की अगर फी को ऐड करेंगे तो आपको 24 मंथ का कोर्स आपको मिल जाएगा. तो ये ज्यादा सही है कि आप 24 मंथ का ले लीजिए. और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, SHALINI, जरूर यूज कीजिए. इस पे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और फिर आपके कोर्स के फी हो जाएगा ये, आप देख सकते हो स्क्रीन पे. तो ये कोड अप्लाई करना ना भूलें. चलिए अब हम यहाँ टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे, बुद्धिज्म. हम यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे थे और ये आपका पार्ट 3 है आपके लेक्चर का. हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. यहाँ पे हम बुद्धिज्म टॉपिक जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है उसके हिसाब से देख के क्लियर कर रहे हैं. तो हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्ध सर्मन ऑन मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन. तो बताइए इसका आंसर क्या है. मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन के बारे में किस आपके बुद्ध की लिटरेचर में लिखा गया है. हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. आंसर क्या होगा, विनय पिटक होगा या जत्ता स्टोरी होगा, अभिदम पिटक होगा या फिर सूत पिटक होगा. बताइए आप, ऑप्शन जरूर बताएं. देखिए तुक्का लगाइए लेकिन आंसर जरूर दीजिए, गलत होना होगा यहीं पे हो जाएगा तो एग्जाम में चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन पाने के. तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर. देखिए इसका आंसर है सूत पिटक. हमने बात की थी टी से टीचिंग याद रखना है आपको, तो क्या है, टी से हो गया टीचिंग. तो इसमें बुद्ध के टीचिंग के बारे में बताया गया था, उनके एथिक्स और डॉक्ट्राइन के बारे में बताया गया था. विनय पिटक में हमने ट्रिक याद की थी, विनम्र. विनम्र स्वभाव मतलब क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको अपने बड़ों से विनम्र स्वभाव में बात करना है, ये रूल है. तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए थे वो विनय पिटक के अंदर थे, जो संघ को मॉनेस्ट्री को चलाने के लिए बनाए गए थे मॉन्क को वो चीजें फॉलो करने की. जतक स्टोरी में क्या है, बुद्ध के पास्ट लाइफ के बारे में स्टोरीज है. अब कुछ और स्टोरीज भी हैं नॉर्मल लोगों से एसोसिएटेड.
अभिदम्भ पिटक में क्या था? अभिदम्भ पिटक में आपके बुद्ध की फिलॉसफी थी, आप देख सकते हो ये। तो त्रिपिटक तीन जो है इम्पोर्टेंट होली बुक है, जो आपका तीन भागों में डिवाइड किया गया है। बुद्ध के बारे में ही इसमें सारी बातें लिखी गई है, तो बुद्ध के टीचिंग से एसोसिएटेड है। विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिदम पिटक है। सूत पिटक का ही आपका कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है सूत पिटक को, उसमें से जो एक पार्ट है उसको दिग्ध निकाय बोला जाता है। ये आपके 34 लॉन्ग सूत हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग उसमें क्या है, डॉक्ट्राइन एक्सपोजिशन, लीजेंड और मॉरल रूल्स। रूल्स रेगुलेशन इसमें भी लिखे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, जो काउंसिल थी वो ऑर्गेनाइज इसलिए की गई थी क्योंकि बुद्ध तो चले गए थे, लेकिन उनकी जो टीचिंग थी उन्होंने सिर्फ ओरल भाषा में बोला था, सिर्फ उन्होंने बोला था, कहीं भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वो टीचिंग नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपको उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करने के लिए आपके ये काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया, और बुद्ध के बातों को एक चीज जगह संग्रह करके रखा गया, आप ऐसा समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। इज एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री अ सेरेमनी कॉल्ड पवारन यूज्ड टू बी हेल्ड, इट वाज द, जो पवारन जो सेरेमनी थी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में क्या किया जाता, हेल्ड किया जाता था, उनका क्या अर्थ था, उसको क्यों हेल्ड किया जाता था, क्यों उनको आयोजित किया जाता था। ओकेजन टू इलेक्ट संघ परिनायक, संघ परिनायक को इलेक्ट करने के लिए, एक तो आपके स्पीकर को, और ऑन धर्म, धर्म के लिए स्पीकर को, और अदर ऑन विनय, विनय के लिए किसी एक स्पीकर को। चलिए नेक्स्ट है आपका कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग स्टे इन मॉनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के दौरान मॉनेस्ट्री में लोग क्या करते थे, अपने जो भी सीन किया है, जो भी ऑफेंस किया है, जो भी चीजें गलत की है उन्होंने, वो चीजें कन्फेस करते थे जब वो रेनी सीजन में रुकते थे, तो ये बोला गया है। तीसरा बोला गया है जो ये सेरेमनी है इनिशिएट किया जाता था तब जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता था बुद्धिस्ट संघ को, और उसके हेड को शेव किया जाता था, मुड़ाया जाता था उनके हेड को, टकला किया जाता था उन्हें, और येल्लो रॉब उनको बोला जाता था पहनने के लिए, ऑफर किया जाता था येल्लो रॉब, येल्लो कलर का कोई कपड़ा, आप ऐसा समझिए। दूसरा है बुद्धिस्ट मॉन्क जो है ऑन द नेक्स्ट डे टू फूल मून डे, जो ये था असाढ़ की पूर्णिमा में अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं का इकट्ठा होना, जब वे बरसात के अगले 4 महीने के लिए एक निश्चित समय लेते हैं, मतलब फुल मून से पहले उन सब का एक जगह इकट्ठा होने का ये एक पर्व था पवारना। तो बताइए क्या था ये सेरेमनी, सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। देखिए तुक्का लगाइए लेकिन बताइए जरूर, गलती करना है तो यही कीजिए, एग्जाम में गलती मत कीजिए भाई, एग्जाम में सिलेक्शन पाना है, गलती नहीं करनी है। देखिए इसका आंसर है आपका कन्फेशन बाय मॉन्क। देखिए 4 महीने का क्या होता था, रेनी सीजन होता था। अब ये 4 महीने का जो रेनी सीजन होगा, अब देखिए पहले अभी के टाइम में क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इतने सारे आपके पास विकल्प अवेलेबल हैं, आप किसी का भी यूज कीजिए, कार चाहिए, आप बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, तो रेनी सीजन में बच सकते हैं बारिश से। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, सुख सुविधा इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग पैरों से ट्रैवल किया करते थे, बाय फुट ट्रैवल करते थे जहां भी जाना होता था। तो क्या करते थे ये लोग, जो 4 मंथ का रेनी सीजन होता था वो कहीं पर वहीं पर क्या करते थे, रुक जाते थे। तो उस 4 मंथ जो रुकते थे कहीं पे, वहां पे सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता था जिसको पवारना बोला गया है। यहाँ पे लोग अपने चीजों को कॉन्फेस करते थे, जो भी उन्होंने गलत चीजें की है आपके अपने लाइफ में, तो वो चीजें वो एक्सेप्ट किया करते थे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइए ये जो क्वेश्चन ये है कि बुद्ध ने अपने लास्ट टाइम, मतलब अपने मरने से पहले का जो रेनी सीजन था वो किस जगह बिताया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हमने डिस्कस भी किया है, अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए और याद कीजिए। देखिए चीजों को रिकॉल करें जरूर, अशोक राम मॉनेस्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशंबी और सरावस्ती। तो बताइए कहाँ पे है, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बताइए कहाँ पर है ये। देखिए इसका आंसर है जो ये है वो पाटलिपुत्र में आपका है, लोकेटेड है, और पाटलिपुत्र जो है सबसे अपने पीक पे पहुंचा था मौर्य डायनेस्टी के दौरान, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे और आपके अशोक थे। आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है कि पाटलिपुत्र को किसने सिचुएटेड किया, किसने अपना फाउंडेशन दिया पाटलिपुत्र सिटी का।
स्टैब्लिश किसने किया था, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, और उन्होंने ही, एक क्लू देती हूँ आपको, राजगीर से अपनी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र अपना क्या किया था, शिफ्ट किया था। तो आप ये बता सकते हैं अब इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन इंडिया। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर लोकेटेड है, वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में और पटना में। तो ऑप्शन सारे आपके पास अवेलेबल है, बताइए कहाँ पर है विश्व शांति स्तूप। देखिए बिहार जो स्टेट है वो बुद्ध की लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो बिहार में जो, अगर बिहार पीसीएस की भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो देने के लिए, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप बुद्ध टॉपिक पढ़े। और यूपी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि यूपी में इनके प्राण गए थे कुशीनगर जगह में, हमने इसके बारे में बात किया था, तो कुशीनगर में इनके प्राण गए थे, तो इस वजह से भी ये बुद्ध का जो टॉपिक है वो आपका यूपी और बिहार के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो बताइए, तो बिहार, ये सारे जो स्टेट है वो बिहार से ही रिलेटेड है। देखिए इसका आंसर होगा आपका राजगीर। राजगीर में है आपका विश्व शांति स्तूप, और इसको वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी बोला जाता है। ये आपके राजगीर में, बिहार स्टेट में है। ये हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप है आपके वर्ल्ड का। ये 400 मीटर आपके हाई हिल्स पे लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कंप्लीटली ये मार्बल से बनाया गया है। इसमें चार प्रतिमाएं हैं बुद्ध भगवान की। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ होगी, एक यहाँ और एक इसके पीछे होगी। ये जो प्रतिमा बनाई गई है लॉर्ड बुद्ध की, जो मूर्ति बनाई गई है, स्टैच्यू बनाया गया है, ये बुद्ध के चार लाइफ, चार जो उनका पीरियड है लाइफ का, उस पे उसको दर्शाता है। देखिए पीरियड जो उनका बर्थ का था, उनका जब जन्म हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, जब उनको क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, दिमाग की इनकी बत्ती जली थी। बोलते हैं ना मिंटॉस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, तो इन्होंने मिंटॉस खा के दिमाग की बत्ती नहीं जलाई थी, मेडिटेशन किया था काफी सालों तक, मेडिटेशन करके इन्होंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई थी, तो इनलाइटमेंट हुआ था इनको। तो प्रीचिंग, और तीसरा जो स्टेज है प्रीचिंग, जब ये अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे, अपनी चीजों को, तो प्रीचिंग है इनका। और डेथ है फिर उनके, जब उनका लाइफ का जब स्टेज खत्म हो गया था, जब वो मर चुके थे, तो वो डेथ स्टेज को भी दर्शाया गया है। चार लाइफ के अब पीरियड ऑफ जो लाइफ है बुद्ध के, उससे एसोसिएटेड है वर्ल्ड पीस पगोड़ा, विश्व शांति स्तूप, और ये सिचुएटेड कहाँ है, राजगीर में है। आपको भूलना नहीं है, ये हाईएस्ट विश्व शांति स्तूप है ये वर्ल्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड द जाइंट बुद्ध स्टैचू, जो आपका बुद्ध की विशालकाय जो स्टैचू है 80 फीट की बौद्ध गया में, वो कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा कराया गया है। ऑप्शन में है जापानीज पीपल ऑफ थाईलैंड, श्रीलंकन और भूटानीज। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा है, तो किसने बनवाया था 80 फीट की बुद्ध की प्रतिमा, बताइए, सोचिए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए बुद्ध जो धर्म था ना, वो इंडिया में ही नहीं फैला था, बल्कि अदर देशों में भी फैला था। मेन रीजन था इसका अदर देशों में फैलने का, इसको पैट्रोनस मिला था बहुत ज्यादा आपके रूलर्स से। तो रूलर्स क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह लोगों को अपने दूत को बोल सकते हो, या अपने अपने जो कलीग थे, अपने अंदर जो सबॉर्डिनेट थे, बेसिकली कलीग तो नहीं होंगे, सबॉर्डिनेट जो थे, उनके अंदर जो लोग काम करते थे, उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह भेजा करते थे, ताकि वो बुद्ध के फिलॉसफी को, बुद्ध की बातों को लोगों तक पहुंचा सके, बुद्ध रिलीजन को ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचाया जा सके। तो जाइंट जो बुद्ध की मूर्ति है वो बताइए किसके द्वारा बनाई गई है। देखिए वो जापानीज के द्वारा बनाई गई है। इसको बनाने में टोटल 7 मंथ लगा था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मूर्ति बनी हुई है, ये है मूर्ति, ये बहुत ही विशालकाय मूर्ति है। ध्यान मुद्रा में बुद्ध को दर्शाया गया है। देखिए ध्यान मुद्रा में, ध्यान में है बुद्ध, आंखें इनकी बिल्कुल बंद है, और हाथ इनका कहाँ है, लैप पे है, जो दिखा रहा है कि ये ध्यान मुद्रा में है। लोटस टेम्पल को बुद्ध को बैठाया गया है, और इसमें जो यूज किया गया है वो रेड आपका सैंडस्टोन का, सैंडस्टोन प्लस आपका रेड आपका ग्रेनाइट का यूज किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेड ग्रेनाइट का यूज हुआ है। देख सकते हो इसमें रेडिश लुक भी आ रहा है। और अगर बात करो तो जापानीज के कौन से सेक्ट ने इनको बनाया था, तो डाइजो के सेक्ट ने इस मूर्ति की को बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वेयर द वर्ल्ड स्तूप
हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द स्टूप वर्ड, जो स्टूप वर्ड है वो कब कहां पे सबसे पहले यूज हुआ था? ऋग्वेद, आपके जातक कथा में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, या फिर नन ऑफ द दिस? देखिए ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। अगर स्तूपा के बारे में आपने अगर जाना है तो आपको शायद पता होगा स्तूपा का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ था आपके एंशियंट हिस्ट्री में, अशोक मौर्य के टाइम में। तो फिर क्या ये जो स्तूप का जो फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज हुआ था तो कहाँ पे हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्तूप वर्ड का सबसे पहले यूज किया गया था। यहाँ पे एक स्टोरी है ऋग्वेद में जिसमें ये बताया गया है कि वरुण जो है, आपके जो किंग है वरुण, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट से एवर कुछ आपकी स्तूप का निर्माण करते हैं, कुछ चीजें रेज करते हैं जिसको स्तूप बोला जाता है। और इसका कोई फाउंडेशन नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त इसकी नींव रखी गई थी स्तूप की। स्तूप का मतलब होता है ट्री स्टेम। देखिए ट्री स्टेम मतलब हो गया जड़ से ऊपर का जो आपका तना होता है वृक्ष का, आपके ट्री का जो जड़ से ऊपर का जो जो चीज भाग होता है, जो आपका पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है स्टेम। तो स्टेम क्या होगा, आपके जो भी आपका जो आपका लैंड होगा उससे ऊपर कोई भी चीज को ऊपर किया है, लैंड से ऊपर रखा है, तो उसको बोलेंगे स्तूप। देखिए जो स्तूपा था पहले क्या होता था, एक लैंड में इस तरह से सिर्फ नॉर्मल फॉर्मेशन होता था, आप देख सकते हो ये ऐसे सिर्फ ये बना होता था। और स्तूप बनाया क्यों जाता था, आपके बुद्ध के टाइम में स्तूप को बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि बुद्ध के जितने भी रिलिक्स थे, बुद्ध का जितना भी जो जो पार्ट्स था, उनके फॉलोअर्स के जो पार्ट्स थे, जो चीजें वो यूज किया करते थे बुद्ध भगवान, अब मरने के बाद जो उनकी अस्थियां थी, आप ऐसे समझो उनके दांत हो गए, इनके बोन्स हो गए, उन सब को एक बॉक्स में रखकर उनके चारों तरफ क्या किया जाता था, स्तूप बना दिया जाता था, और जिसके चारों चक्कर काटते थे लोग, और बुद्ध को रिस्पेक्ट देते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, इसी चीज को और भी सुंदर बनाया गया, इनका विकास हुआ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें लगाई गई, इनको और भी ब्यूटीफुल बनाया गया। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से गेट लगाया गया, फिर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के भी गेट का निर्माण किया गया और इसको सुंदर बनाने का कोशिश किया गया। और अभी आप इसे स्तूप में विजिट करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है पहले के कंपैरेटिवली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने, द स्तूप साइड विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्ध लाइफ। लॉर्ड बुद्ध की लाइफ से जो कोई भी स्तूप, ऐसा कौन सा स्तूप है जो बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है? सारनाथ है, सांची है, बौद्ध गया है और खुशी नारा है। तो बताइए कौन सा ऐसा है जो बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड नहीं है? बता सकते हैं आप इसका ऑप्शन, आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए क्या सारनाथ क्या बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड है, सोचिए जरा। हमने बात किया था, देखिए सारनाथ है, यहाँ इन्होंने सरमन दिया था, पहला सरमन दिया था इन्होंने डियर पार्क में। क्या बौद्ध गया एसोसिएटेड है? हाँ भाई है, इतनी बार मैंने बता दिया अब तो आपको रट गया होगा कि बौद्ध गया में इन्होंने क्या किया था, इनलाइटमेंट लिया था, इनकी दिमाग की बत्ती जली थी बौद्ध गया में, यहीं पे इनको नाम मिला था साक्य मुनि, क्योंकि ये साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। खुशी नारा है, अभी बताया था खुशी नारा है, यूपी में है खुशी नारा, यहाँ पे इनके प्राण चले गए थे, इनकी डेथ हो गई थी खुशी नारा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांची। एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच क्या गया, सांची बच गया। तो सांची के आपके स्तूप साइट है सांची। सांची जो है वो स्तूपा से रिलेटेड नहीं है, जो बुद्ध के साइट से है। देखिए स्तूप ऑफ बौद्ध गया सब कुछ लिखा है। देखिए जो और जो उन्होंने जो इनलाइटमेंट लिया था सारनाथ में, जो उन्होंने प्रीचिंग दिया था, उस जो स्टेज को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे उन्होंने आपका जो पहला प्रीचिंग था उस जो स्टेज को बोला जाता है क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। भूलना नहीं है बिल्कुल, आप देख सकते हैं स्तूप बाद में कितने डेवलप हो गए। पहले सिर्फ ये माउंट था, उसके बाद ये चारों ओर ये आपके लग बनाए गए जहाँ पे लोग चक्कर काट सके, गेट बनाया गया, तो इस तरह से डेवलपमेंट होता रहा। अब अगर अगर आप सांची की बात करेंगे तो ओल्डेस्ट स्टोन स्कल्पचर है आपका इंडिया का, इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है इंडिया इंडियन आर्किटेक्चर का। ओरिजिनली इसको एम्परर अशोक के द्वारा बनाया गया था, जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मौर्य डायनेस्टी किसके हटा के किसको हटा के आई थी, तो नंदा डायनेस्टी को हटा के आई थी मौर्य डायनेस्टी, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। और बात करते हैं, ये बताइए मौर्य डायनेस्टी का शासन काल कब से कब तक चला था, हमने बात किया था इसके बारे में,
में भी, तो ये 3rd century BC में बेसिकली इसको बनाया गया था। आप देख सकते हो इससे सिंपल आपका हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर है जो रेलिक्स रखा गया, रेलिक्स मतलब अवशेष हो गए, बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्तूपा, आपका बरहूत या फिर सांची, अमरदीप या फिर धामेक, या फिर अमरावती पहले है, फिर सांची है, बरहूत है और धामेक है, फिर सांची है, फिर अमरावत है, बरहूत फिर धामेक, या फिर धामेक बरहूत अमरावती और सांची, बताइए क्या है इसका आंसर, सोचिए जरा क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है। तो देखिए जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को वापस ले लिया गया था, क्वेश्चन आया था UPPCS में ही। तो देखिए डालने का मेन इसका लक्ष्य ये है कि आप परेशान ना हो क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन देख के जिसमें कि दो ऑप्शन अवेलेबल है। हमने बात किया था लास्ट क्लास में आपके की जो बौद्धिक ट्री है वो कौन सा जनरेशन है आपके कंप्यूटर का, तो हमने इसके बारे में बात किया था कि बौद्धिक ट्री कौन सा जनरेशन है आपके कंप्यूटर का। तो इसमें हमने ये देखा था बौद्धिक ट्री के बारे में कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को वापस ले लिया था, PSC में ही ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि दो ऑप्शन सही है, कॉन्फ्लिक्ट है कि इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, कमीशन उस क्वेश्चन को वापस ले लेती है या आपके दोनों ही ऑप्शन को सही कर देती है। तो चलिए तो बताइए, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बालाघाट और सांची स्तूप, ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था ये मौर्यन एम्पायर अशोका के टाइम में कंस्ट्रक्ट किया गया था, और धामुक जो स्तूप है इसको भी ऐसा माना जाता है जो हमें सोर्सेस मिले हैं उससे कि वो अशोक के टाइम में ही किया गया था। अमरावती स्तूप जो है वो आपके सातवाहन डायनेस्टी के दौरान इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सातवाहन डायनेस्टी कब आई थी, तो भाई जब आपके मौर्य डायनेस्टी में जब आपके अशोक की डेथ हो गई थी, और जब इनके रूलर जो सक्सेसर रूलर जो आए, इनके बाद वाले जो रूलर्स आए, जब ये अब मौर्य डायनेस्टी को नहीं संभाल पाए, क्योंकि ये क्या साम्राज्य काफी जगह तक फैला हुआ था, अब इस साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल था, और जो आगे वाले रूलर्स आए उनके लिए क्यों क्यों मुश्किल था, क्योंकि वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, उसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ आपके मौर्य डायनेस्टी का, और डिफरेंट डिफरेंट रूलर आपके इन्वेड किया इंडिया को, फॉरेन कुछ भी आए, फॉरेन इन्वेडर भी आए उसी दौरान, और आपके पूरे के पूरे जो मौर्य डायनेस्टी थी उस समय भी डिफरेंट डिफरेंट लोग उभर कर आए जो मौर्य डायनेस्टी को, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की जगह ली। जैसे आप हमने बात की थी यहाँ पे सुंग डायनेस्टी आई थी, तो सुंग ने यहाँ पे अपना एस्टैब्लिश किया। आपके यहाँ पे जो डायनेस्टी आई आपके दक्कन रीजन है वो आई सातवाहना डायनेस्टी, तो इन्होंने अमरावती स्तूप बनाया था। तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि इसको अनुमान लगाया जा सके बाराहाट और सांची और धामुक ये तीनों ही बनाए गए हैं अशोक के द्वारा, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये तीनों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिट इन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वर्ल्ड है वो अनस्टेबल है, हमेशा चेंज होते रहता है, और ट्रांजिट है मतलब अस्थिर है और आपका क्षणिक है, कभी भी खत्म हो सकता है, ट्रांजिट है ये, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, बुद्धिज्म जैनिज्म गीता और वेदांत, बताइए क्या है इसका आंसर, वर्ल्ड अनस्टेबल है किसने बोला था। देखिए तो इसका आंसर है बुद्ध, बुद्ध की फिलॉसफी थी कि वर्ल्ड जो है वो अनस्टेबल है, चीजें जो है वर्ल्ड में हमेशा चेंज होती रहती है, इम्परमेनेंस है और चेंज है, इनको अनेक का नाम दिया गया, और सफरिंग और अनसेटिस्फैक्ट्रीज को बोला गया दुख, और नॉन सेल्फ और अनसब्सटेंशियलिटी मतलब की हो गया अनंत, इसका मतलब हो गया मतलब अपने पर ध्यान ना देना, नॉट सेल्फ खुद को ध्यान ना देना, और चेंज चेंज हमेशा चीजें चेंज होती रहती है, अगर कुछ भी चीज है वो चेंज होगी, अगर आप किसी स्टोन की भी बात करो तो कुछ साल बाद वो घिस जाता है, मानव का स्वभाव ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होते रहता है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भाई हमेशा बिहेवियर एक जैसा रहेगा, वो सबसे ज्यादा क्या करता है, दुख देता है लोगों को, सफरिंग का कारण है ये जो चीजें हैं, चेंज जो है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लाइट ऑफ एशिया, कौन है लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी या स्वामी विवेकानंद, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला गया है, गौतम बुद्ध को या महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को,
क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है लाइट ऑफ एशिया का। तो देखिए बोला गया है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। अब गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गौतम भी बोला गया बुद्ध के, साक्य मुनि इसलिए बोला गया कि ये साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। और ये क्या था, सिंपली द बुद्धा वॉज ए सेज ऑन विच टीचिंग बुद्धिज्म वॉज फाउंड। और बुद्धा ही एक ऐसे सेज है, एक ऐसे मुनि है, आप ऐसे समझो ऋषि है, जिनके टीचिंग पे बुद्धिज्म को क्या किया गया है, आपके बुद्धिज्म रिलीजन को आपका स्टैब्लिश है, बुद्धिज्म का फाउंडेशन है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या लाइट बीम भी कहा गया है। और इनकी जो बुक है लाइट ऑफ एशिया, एक बुक है जो लिखी है एडविन एर्नोल्ड ने, जो लाइफ ऑफ बुद्धा के स्टेज को दर्शाती है। ये बुक अमेज़न पे भी अवेलेबल है, आप इस बुक को पढ़ सकते हो, और भी जगह आपको मिल जाएगी ये बुक, पढ़िएगा, अच्छी बुक है ये लाइट ऑफ एशिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग अस द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया, किसको बोला गया है लाइट ऑफ एशिया। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया है, ऑप्शन चेंज हो गया है, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा, पैगंबर मोहम्मद और आपके जरथुस्त। तो बताइए क्या है जरथुस्त्र, तो बताइए क्या है इसके आंसर। अभी तो आपको बताया था तो रट जाएगा आपको, लॉर्ड बुद्ध है लाइट ऑफ एशिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सर एडविन एर्नोल्ड बुक जो है लाइट ऑफ एशिया, वो किस चीज पर बेस है, किस पर बेस है, ललिता आपका दिव्य वंदना, या फिर ललित विस्तार, या फिर सूत पिटक, या फिर अभिदम पिटक। तो बताइए किस पर बेस है सर एडविन की बुक। ये थोड़ी सी डिफरेंट आ गई, क्वेश्चन आपका डिफरेंट पूछ लिया। देखिए टॉपिक एक ही है, अगर आप टॉपिक अच्छे से किसी भी एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं जिसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी टॉपिक के इर्द गिर्द सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तो इसका आंसर है ललित विस्तार। ललित विस्तार के लाइफ से, ललित विस्तार के बारे में आपका बताया गया है लाइट ऑफ एशिया में। लाइट ऑफ एशिया जो सब टाइटल है इसका, द ग्रेट रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब त्याग करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। तो सर एडविन एर्नोल्ड ने इसको लिखा है, और पहली जो बुक पब्लिश हुई थी वो जुलाई 1879 में हुई थी। और जो बुक जो बेस्ड है उसका कंटेंट वो ललित विस्तार पे है। ललित विस्तार जो सूत्र है वो संस्कृत महायान बुद्धिस्म सूत्र है, वो बताता है स्टोरी गौतम बुद्ध के बारे में। देखिए महायान के बारे में बात किया था, महा से महान, बुद्ध को महान बनाया इन्होंने, महान प्रतिमा बना के बुद्ध की आइडियोलॉजी, आइडल बनाकर, इनकी मूर्ति बनाकर इनकी पूजा करना शुरू कर दिया लोगों ने। महायान में महान याद रखना है, हीन यान में हीन, ह्यूमन बींग की तरह, ह्यूमन बींग की तरह उनकी बातों को मान रहे थे लेकिन उनकी पूजा नहीं कर रहे थे वो लोग। इस चीजों को बिल्कुल फिट कर लीजिए, क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान और महायान। चलिए क्वेश्चन आ ही गया आपका, हीनयान और महायान सेक्ट के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। बिलीव इन नॉन वायलेंस, कास्ट फ्री सोसाइटी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, वर्शिप ऑफ स्तूपा। देखिए इसका आंसर तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अभी बात किया है हीनयान वर्सेस महायान, चलिए सोचिए इसका आंसर क्या है, दो मिनट रुक जाती हूं मैं, सोच लीजिए आप इसका आंसर। देखिए बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए अब आपका इसका आंसर तो, क्योंकि अभी बात किया है हीनयान क्या होता है, मनुष्य को के समान, मनुष्य में दोनों फैक्टर होते हैं, हीन भी होता है और अच्छा भी होता है, गुड और बैड दोनों होता है। तो हीनयान क्या हो गया, मनुष्य, बुद्ध को मनुष्य की तरह देखा गया हीनयान के लोगों के द्वारा, मनुष्य की तरह देखेंगे तो उनकी पूजा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पूजा नहीं कर रहे थे ये लोग। तो महायान वाले लोग आइडल वर्शिप कर रहे थे, इनकी पूजा कर रहे थे, तो वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखना है महायान महान है मतलब संस्कृत लैंग्वेज का यूज कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को महान समझते थे, ऐसे समझिए, ट्रिक बनाइए, ब्राह्मण महान समझते थे तो वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते थे। तो महायान में महान संस्कृत लैंग्वेज, हीनयान में पाली, नॉर्मल ह्यूमन बींग पाली लैंग्वेज का यूज करते थे, तो पाली हो गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कनिष्क के दौरान, जो खुशान रूलर थे आपके, कनिष्क के दौरान आपके क्या हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था आपका बुद्धिस्ट, महायान हीनयान। भूलना नहीं है कि ये कनिष्क के दौरान में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, कौन इसके चेयरमैन थे, चलिए सोचिए और बताइए आप।
गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गौतम बुद्ध को गॉड की पोजिशन पे एलिवेट किया था किसके ड्यूरेशन में? देखिए क्वेश्चन टॉपिक एक ही है और देखिए क्वेश्चन कितने घुमा के पूछा गया है। अगर आप टॉपिक को ध्यान से एनालाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्ष। अभी बात की है, चलिए सोचिए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। अभी बात किया गॉड के दौरान, गॉड के जैसे पूजा करने लगे, दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, हीन यान महायान। महा मतलब महान, महान मतलब क्या हो गया, आइडल वर्शिप। तो किसके शासन काल में हो रहा है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है कनिष्क के शासन काल में, तो हो गया इसका आंसर कनिष्क। और जो कनिष्क थे ये कुषाण रूलर थे, पोस्ट मौर्यन पीरियड में आए थे ये ध्यान रखना है आपको। देखिए आंसर भी मिल गया, वाशुमित्र चेयरमैन कौन था? वाशुमित्र, भूलना नहीं है। ट्रिक बनाई थी राजा का विशाल पुत्र, पाटलिपुत्र हो गया पुत्र, कहाँ पैदा हुआ? कश्मीर में। तो इस तरह से ये था, आजादी मिली काले लोगों की वजह से, तो आजादी मिली काले अशोक की वजह से, तो काले हो गया अशोक। और लास्ट का के ए हो से कनिष्क, याद रखना है ये सारी चीजें। चेयरमैन कैसे याद रखेंगे? महान सभा हुई उसमें मोगली मित्र बना, महान सभा में मोगली मित्र बना, महाकश्यप, सभाकामी, मोगली पुत्र और तिश्वाशुमित्र, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ट्रिक बना के चीजों को लर्न करनी है। चलिए फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वेयर दोज ऑफ, बताइए कौन सा पहला ह्यूमन स्टैचू वर्शिप किया गया? ब्राह्मण, विष्णु, बुद्ध और शिव। तो ह्यूमन स्टैचू बताइए, ब्रह्मा, ब्रह्मा है, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध और शिव। देखिए दिमाग लगाइए, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए भक्ति मूवमेंट की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये दिमाग में एक कंसेप्ट आ गया था कि जिस फॉर्म में आप भगवान की पूजा करोगे उसी फॉर्म में भगवान आपके सामने आ जाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट आइडियल वर्शिप होने लगी, लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन आने लग गया कि भाई हम भगवान को इस रूप में पूजते हैं, ब्रह्मा को आप उनके इतने सर हैं उस रूप में पूज रहे हैं, तो भगवान उसी फॉर्म में अवेलेबल हो गए। और उसी टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था आपके स्टैचू का, आइडियल वर्शिप का, बहुत ज्यादा क्या हुआ, फला और फूला, और लोग स्टैचू बनाने लगे, लोग उसको अपनाने लगे, स्टैचू बनाने वाली प्रक्रिया को लोग पूजा करने लगे। और स्टैचू जब बनने लगा तो एक सेक्रेट जगह की हमें क्या हुई, जरूरत हुई, तब टेम्पल का विकास हुआ। हिस्ट्री ऐसे ही डेवलप नहीं हुई है बच्चों, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं और हिस्ट्री हमेशा लिंक है। अगर हिस्ट्री में कुछ डेवलप हो रहा है तो उसका कुछ फाउंडेशन होगा उसके पीछे में, उसका कुछ बेस होगा। तो हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट के साथ समझें तो हिस्ट्री बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो स्टैचू हुआ टेम्पल, टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ इसी वजह से, जहां पे मूर्तियों को रखा गया। तो देखिए ब्रह्मा, अगर विष्णु और शिव, ये तो एक गॉड, गॉड का प्रतीक है, भगवान के प्रतीक है, इनको भगवान माना जाता है, ये तो कोई इंसान थे नहीं। तो प्रथम जो इंसान थे जिनकी पूजा होनी शुरू हुई थी वो थे बुद्ध, तो इस तरह से याद रखें। और कौन से सेक्ट में पूजा होती थी? तो महायान सेक्ट था, भूलना नहीं है महायान, अब तो रट जाना चाहिए आपको, महायान वर्सेस हीनयान। मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते चलिए, महायान वर्सेस हीनयान। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं गलत, और सिलेक्शन हो जाता है उनका, कम हो जाता है चांसेस सिलेक्शन का और खत्म हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार 0.25 मार्क्स से भी आप रह जाते हो, ये भी बहुत बड़ा मार्क्स है आपके लिए, 0.25 मार्क्स भी जरूरी है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। तो इसलिए जो इजी क्वेश्चन है वो तो नहीं छूटने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडियल वर्शिप इन कंट्री, किसने आइडियल वर्शिप तो था कंट्री का उस पे, आइडियल वर्शिप की शुरुआत किसने की थी? निम्नलिखित में से किसने, किस देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी, किस देश में रखी थी बताइए? जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका और वैदिक रिलीजन। तो बताइए किसने रखा था आइडियल वर्शिप का शुरुआत, नींव किसने रखा था आइडियल वर्शिप का? आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, जैन है, बुद्ध है, आजीविका है और वैदिक रिलीजन है। तो देखिए इसका आंसर है बुद्ध, गौतम बुद्ध। इंडिया में गौतम बुद्ध की वर्शिप होने लगा था,
फर्स्ट थ्रू आइडल, और किसके द्वारा? तो महायान सेक्ट, बिल्कुल नहीं भूलना है, महायान सेक्ट था ना कि हीन यान सेक्ट। नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गंधार बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन। तो सारनाथ फर्स्ट सरमन में इमेज बताई गई है बुद्ध की, गंधार बुद्ध इमेज है ये, तो ये जो है फर्स्ट सरमन है। तो अब बताइए किस मुद्रा में भगवान ने भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है? अभय, ध्यान, धर्म चक्र और भूमि स्पर्श। तो बताइए क्या है इसका आंसर, सोचिए जरा इसका आंसर। तो इसका आंसर है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श मुद्रा में बताया गया है। देखिए पहले एक बार समझते हैं, पहले गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? तो अगर आप गंधार स्कूल ऑफ आर्ट समझें तो ये है आपका फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखता है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में। बेसिकली जो स्कल्पचर है उसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मथुरा से ही समझ में आ रहा है, यूपी में जगह है मथुरा, लॉर्ड कृष्ण की पूजा ज्यादा होती है यूपी में, मथुरा में। तो चलिए इंडियन इन्फ्लुएंस है यहाँ पे मथुरा में, एक सिटी है मथुरा, इंडियन सिटी है तो इंडियन इन्फ्लुएंस होगा। गंधार, देखिए जी से ग्रे, तो यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन का यूज हुआ है, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है, ये भूलना नहीं है। गंधार में जो इमेज दिखाया गया है, आईज को लंबा दिखाया गया है, आपके आईज लंबे हैं। ईयर लॉब्स को शॉर्ट बनाया गया है, मतलब आपका जो ईयर्स है इसको शॉर्ट बनाया गया है, इनके जो आपके लॉब्स हैं उनको। नोज को शार्पर, नोकीला बनाया गया है, शार्प बनाया गया है। अब मथुरा स्कूल की बात करें तो यहाँ पे आईज हैव लॉन्गर ईयर लॉब्स, यहाँ पे छोटे ईयर लॉब्स हैं, लंबे ईयर लॉब्स हैं। आपके लिप्स जो है वो मोटे हैं, वाइडर आईज का यूज किया गया है। प्रोमिनेंट नोज, नोज देखने को अच्छे से मिलता है वहां पे। एक्सप्रेशन जो दिखाया गया गंधार में वो काम दिखाया गया है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आपका गंधार बुद्ध का जो एक्सप्रेशन वो कामनेस है। इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मूड बहुत खुश दिखाया गया है। स्माइलिंग बुद्धा है, बुद्ध स्माइल कर रहे हैं। मस्कुलर फिजिक है, बड़ी बॉडी शॉडी इन्होंने बना रखी है, मस्कुलर फिजिक है इनका। शेव हेड है, हेड बिल्कुल टकले है ये, और फेस दिखाया गया है इनका, शेव हेड शेव फेस दिखाया गया है, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी सब बनी हुई है इनकी। तो इस तरह से चीजें हैं, याद रखना है गंधार जी से ग्रे, गंधार हो गया आपका फॉरेन इन्फ्लुएंस, जी से ग्रीक ग्रे दिखाया गया है आपके आपके लोब्स को, ईयर लोब्स को छोटा, नोज को शार्पर, और क्या है काम दिखाया गया है। गंधार में क्या है कामनेस दिखाया गया है, मथुरा में क्या है मस्कुलाइन, एम से मस्कुलाइन, मस्कुलाइन है, स्माइलिंग करते हुए है, मूड बहुत ही डिलाइट है, हेड शेव है इनका, ईयर लॉब्स लंबे हैं इनके, लिप्स इनकी मोटी है, वाइडर आईज है। तो चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है, दिमाग में फिट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बिल्ड इन विच पीरियड। देखिए जो स्टैंडिंग स्टैचू थी गौतम बुद्ध की वो किस पीरियड में बनाई गई थी, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल। तो बताइए किस स्टेज में बनाया गया था गौतम बुद्ध का स्टेचू, किस पीरियड में, बताइए इसका आंसर, सोचिए क्या होगा। डिस्कस तो हम कर ही लेंगे बाद में, लेकिन आपको सोचना पहले है। आंसर मेरे देने से पहले आप आंसर में तुक्का लगा लिया कीजिए या सोच लिया कीजिए, अगर आंसर आता हो तो क्या आंसर इसका सही है, क्योंकि अटेम्प्ट करना जरूरी है, बहुत मायने रखता है आपका अटेम्प्ट करना। तो देखिए इसका आंसर है कुषाण, कुषाण के टाइम में गंधार आर्ट। कुषाण क्या था, फॉरेन इन्वेडर था, पता होगा आपको, बात की हमने कुषाण फॉरेन इन्वेडर थे। तो गंधार आर्ट इस समय ज्यादा फ्लरिश हुआ था आपका, फला फुला था, और इसने आर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी काफी ज्यादा क्या दिया था आपका, बढ़ावा दिया था, पेट्रोनेस दिया था। तो कुषाण जो थे वो कनिष्क, बेसिकली आप बताओ तो कनिष्क जो रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के, उन्होंने ये सारी चीजें कराई थी। और ये जो थे कुषाण आर्ट ऑफ गंधारा इज मेनली नोन फॉर द वेल्थ ऑफ स्कल्पचर, जो स्कल्पचर जो इतने सारे इन्होंने बनाए हैं बुद्धा के उसके बारे में और मोनेस्ट्री के, उसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा क्या है लोगों के दिमाग में है, लोग उसको जानते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में बात किया गया है, जो आपके सर्मन जो बुद्ध ने दिया था उसको दर्शाता है। तो लॉर्ड बुद्धा का जो इमेज है भूमि स्पर्श मुद्रा, जो हैंड जेस्चर है, तो वो किस चीज को दर्शाता है, जो हैंड का जेस्चर है, बुद्ध बुला रहे हैं अर्थ को, बुद्ध कॉलिंग टू अर्थ, वॉच ओवर मारा, जो मारा को बुला रहे, मारा को पे नजर रखने के लिए, मारा से बचाने के लिए, कि वो जो मारा जो था वो
उनको डिस्टर्ब करा था मेडिटेशन में, उससे बचने के लिए उन्होंने बुद्ध आपने क्या किया है, कॉल किया है आपके अर्थ को। तो ये है पहला सवाल, पहला आपका ऑप्शन। दूसरा है बुद्ध बता बोलते हैं अर्थ को बुलाते हैं कि विटनेस बने किस चीज का, इनकी प्योरिटी एंड चेस्टिटी का, पवित्रता और शुद्धता का, ये गवाह बने। जबकि जो उसका जो मारा था प्रलोभन दे रहा था, टेम्पटेशन ऑफ मारा, उससे उस चीज से मारा के प्रलोभन के बावजूद बुद्ध ने अपनी पवित्रता और शुद्धता का गवाह बनने के लिए पृथ्वी का आवाहन किया। तो ये इसको दर्शाता है, या बुद्ध रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर दैट दे ऑल अराइजन फ्रॉम अर्थ। बुद्ध ये रिमाइंडर दिलाना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स को, ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई हम सभी क्या है, अर्थ से उत्पत्तित हुए हैं, अर्थ से हमारा क्या हुआ, जन्म हुआ है, और फाइनली अर्थ में ही मिल जाएंगे। मतलब क्या, खाक से पैदा हुए हैं और खाक में ही मिल जाओगे। दस लाइफ इज ट्रांजिटरी, लाइफ क्या है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में खत्म हो जाने वाला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, डी बोल रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है। तो सोचिए जरा क्या आंसर हो सकता है भूमि स्पर्श। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी जानेंगे हम इस स्टोरी के बारे में। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो दिखाता है भूमि स्पर्श मुद्रा है वो इस जेस्चर को दिखाती है कि वो टच कर रहे हैं अर्थ को, और इसमें क्या है, विच रिप्रेजेंट करता है कि बुद्ध को क्या है कि एनलाइटमेंट हो गया है, उनकी दिमाग की बत्ती जल गई है, और वो एनलाइटमेंट का अब क्या करने के लिए, विटनेस करने के लिए आपके भूमि को बोलते हैं कि भाई अर्थ आप इस चीज का विटनेस करो। इसमें क्या दर्शाया गया, इनका जो राइट हैंड है वो उनका नी के ऊपर दर्शाया गया है, उनके घुटनों पर है राइट हैंड, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप सभी जो मेडिटेशन करते होगे तो आपका राइट हैंड जो होता होगा वो नी पे होता होगा, और जो पाम जो है वो इनवर्ड दिखाया गया है, वाइल टचिंग लोटस थ्रोन, लोटस थ्रोन को टच कर रहा है, उनका जो हथेली है वो लोटस थ्रोन को टच कर रहा है। लेफ्ट जो हैंड है वो पाम अपराइट टू हिज लैप, तो लेफ्ट हैंड ऐसे इस मुद्रा में है, अपने लैप पे इन्होंने अपनी गोदी पे रख रखा है लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड से उन्होंने अपना क्या कर रखा है, पाम से अपने लोटस को टच कर रखा है, जो ये दिखा रहा है भूमि को टच कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या था, मारा एक तरह का डेमन था, क्या था वो डेमन, डेमन मतलब राक्षस, तो वो डराने आए थे बुद्ध को। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला कि तुम एक तुच्छ मानव हो, तुमसे ये जो इनलाइटमेंट की सीट है, जो ज्ञान की प्राप्ति का जो औधा है, वो तुम्हें नहीं मुझे मिलना चाहिए, वो ऐसा क्लेम कर रहा था। और बुद्ध को बहुत तरीके से टेम्प्ट करने का, डराने का ट्राई किया, उसने बोला कि भाई देखो मेरे पीछे इतनी सारी सेना खड़ी है और वो विटनेस बनेगी मेरा कि मुझे इनलाइटमेंट हुआ है, मैं हूँ इनलाइटेड आदमी, मैं हूँ इनलाइटेड इंसान। तो उनके जो पीछे जो सारे जो उनके सेना थी वो बोलते हैं हाँ हम इस चीज के क्या है, विटनेस है, आई विटनेस बोलते हैं ना, आई विटनेस है भाई हम इस चीज के कि इनको ही इनलाइटमेंट का प्राप्ति हुआ है। तो ये बुद्ध पे हंसते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हारा कौन विटनेस बनेगा, भाई राक्षस था, इंसान तो आएंगे नहीं इनको बचाने के लिए, तो उनको लगा कोई नहीं आएगा। तब इन्होंने पृथ्वी को याद किया कि आप मेरा विटनेस बनिए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो इस चीज को दिखाता है, जब वो पृथ्वी को आवाहन करके बुलाते हैं तो डेमन मारा गायब हो जाता है, ऐसा कुछ बताया गया है स्टोरी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आई होप आप किस स्टोरी से याद रहेगा, भूमि स्पर्श, भूमि को स्पर्श करने के लिए क्या किया, भूमि को स्पर्श किया, क्यों किया, क्योंकि विटनेस बनाना था अपने इनलाइटमेंट का, क्योंकि डेमन मारा उनको दुखी कर रहा था। चलिए सारनाथ बुद्ध की जो इमेज है भूमि स्पर्श मुद्रा, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, किस पीरियड से बिलोंग करती है, मौर्य पीरियड, सुंग पीरियड, खुशान पीरियड और है आपके गुप्त पीरियड। तो बताइए कहां से बिलोंग करता है ये भूमि स्पर्श मुद्रा। ऑप्शन सारे आपके पास है, लॉजिक लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आंसर है गुप्त पीरियड। अब आप जरा सोचिए कि देखिए मौर्य पीरियड, सुंग पीरियड तो बाद में आया था, कुषाण जो हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया था कुषाण ने, तो उसमें बुद्ध के बनने के बाद ऑर्गेनाइज किया था, तो ये तो बिल्कुल कट गया। सुंग पीरियड भी बाद में आए थे आपके, जब आपके क्योंकि कुषाण के टाइम पे ही आपके सुंग आए थे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न पोस्ट आपके मौर्य का पीरियड है आपका सुंग डायनेस्टी का। फिर मौर्य पीरियड की बात करते हैं, गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, तो आपको इस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो गुप्त पीरियड याद रखना है, देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा है गुप्त, गौतम बुद्ध की सारनाथ में, वो गुप्त पीरियड से बिलोंग करती है,
मुद्रा में सी फास्टनेस दिखाया गया है आपके रिप्रेजेंट। ध्यान बुद्ध है और अक्षोभ्य है, ध्यान ध्यानी बौद्ध अक्षोभ्य बोला गया है इसे। इसका मतलब है कि अर्थ को विटनेस करना, बिकॉज ही वॉज क्या है इमूवेबल, ये इमूवेबल है, अर्थ तो मूव नहीं कर सकती है। और इन्होंने बोल लिया कि भाई वो कभी भी क्या करेंगे, एंगर नहीं करेंगे, लोगों पे गुस्सा नहीं करेंगे। द मुद्रा ऑल्सो सिंबलाइज यूनियन ऑफ स्किलफुल मीन्स इस उपाय, मतलब बहुत सारे स्किल हैं इनके अंदर, काफी सारे उपाय हैं इनके अंदर। आप एक परेशानी लेके आओ 100 उपाय बता देंगे ये आपको, ऐसे आज भी लोग मिल जाएंगे आपको, परेशानियों के सारे उपाय उनके पास अवेलेबल होते हैं। सिंबलाइज करता है बाय द राइट हैंड टचिंग द अर्थ, अर्थ को राइट हैंड से टच कर रहे हो, विजडम को दिखाता है। और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो मेडिटेशन पोजीशन को दिखाता है, मतलब राइट हैंड आपका क्या हो गया, विजडम को दर्शाएगा राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड मेडिटेशन को दर्शाएगा। और आपका जो ये सिंबल, ये मुद्रा जो है वो सिंबल है यूनियन ऑफ स्किल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका दो असर्शन दिया गया है। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल रिपब्लिक, मल रिपब्लिक की क्या थी कैपिटल, कुशीनगर कहाँ है यूपी में। यहाँ पे एक टेम्पल भी बनाया गया है जो ये दर्शाता है बुद्ध के आपके मृत्यु के टाइम को। इसमें लेटी हुई मुद्रा में बुद्ध का राइट पोजिशन में, राइट करवट लेते हुए बुद्ध की मूर्ति भी बनाई गई है कुशीनगर में। याद रखना है ये सारी बातें। लॉर्ड बुद्ध महापरिनिर्वाण, उनकी जो मृत्यु हुई थी, टुक प्लेस इन कुशीनगर। तो बताइए क्या है इसका आंसर। बोध ए और आर क्या है, ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका ए का, या फिर बोध ए और आर क्या है ट्रू है पर आर क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। आपका सी ए बोल रहा है ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए जरा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी बार हमने ये सारी चीजें अब डिस्कस कर ली है, तो अब तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत होने का कोई चांसेस रह ही नहीं जाता। तो इसका आंसर है बी। बी ये बोल रहा है कि ए और आर दोनों ही ट्रू है और आर क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। देखिए क्यों ये, देखिए लॉर्ड बुद्धा का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, लेकिन ये जो कुशीनगर जो है कैपिटल है मल रिपब्लिक की, दोनों आपस में क्या है एसोसिएटेड नहीं है। कुशीनगर क्या था कैपिटल है मल का, और 16 महाजनपद में से एक महाजनपद आते थे। 6th century BC में जो 16 महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ था उसमें से एक थे मल, ओके, इसी में थे मौर्य भी, इसी में थे वज्जी भी। तो ये सब इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद रखना है। और लॉर्ड बुद्ध जो थे महापरिनिर्वाण इन्होंने कुशीनगर में क्या किया था लिया था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। लोथल है एंशियंट डॉकयार्ड, लोथल आपके एंशियंट डॉकयार्ड है। सारनाथ में फर्स्ट सरमन लिया गया है बुद्ध का। राजगीर है लायन कैपिटल ऑफ अशोक, लायन कैपिटल जो है अशोक का वो राजगीर है। नालंदा है ग्रेट सिर्फ सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ग्रेट सीट है बुद्धिस्ट लर्निंग की। सेलेक्ट करना है आपको और बताना है कौन सा है सही। देखिए ये लोथल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सारनाथ में क्या फर्स्ट सरमन दिया गया था बुद्धा में, सही बोल रहा है भाई, सही दिया गया था। लोथल क्या एंशियंट डॉकयार्ड है जरूर। नालंदा क्या है ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा क्या है ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग बताइए बुद्धिस्ट लर्निंग के बारे में। तो भाई है नालंदा भी है ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग, आपके गुप्त कुमार गुप्त के टाइम में नालंदा को क्या किया गया था एस्टैब्लिश किया गया था, ये भी याद रखना है। तो बताइए क्या है इसका आंसर, कौन सा पेयर सही मैच है। इसका ऑप्शन हो जाएगा देखिए सी, आपके 4 जो है गलत हो जाएगा। राजगीर जो है लायन कैपिटल नहीं है आपके अशोक का, राजगीर जो है पिलग्रिमेज सेंटर है, मतलब आपके क्या है जो लोग आते जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए उनके लिए, यात्रियों के लिए, आपका बुद्धिस्ट के लिए, हिंदू के लिए और जैन के लिए, तीर्थयात्री, बेसिकली तीर्थयात्री का क्या है यहाँ पे आना जाना होता रहता है। हॉट वाटर स्प्रिंग की वजह से काफी ज्यादा फेमस है राजगीर। ब्रह्म कुंड भी बोला जाता है इस जगह को, काफी पायस माना जाता है हिंदू धर्म में, इसका काफी पवित्र स्थान माना जाता है हॉट वाटर स्प्रिंग को। और लायन कैपिटल जो अशोक की थी वो थी आपकी सारनाथ, जो कि यूपी में है ना कि राजगीर में, जहाँ पे बुद्ध का पहला सरमन हुआ था। याद रखना है
एंशियंट डॉकयार्ड, डॉकयार्ड ऐसी जगह हो गई जहां पे आपका सामान को शिप को अनलोड और लोड करने का काम कर रहा है। शिप थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे ठहरती है। ये लोथल में हमें इसका एविडेंस मिला है डॉकयार्ड का। और महात्मा बुद्ध का फर्स्ट सर्मन हुआ था सारनाथ में। नालंदा भी आपके बुद्धिस्ट लर्निंग का ग्रेट सीट है। नालंदा कब डेवलप हुआ? तो कुमार गुप्त के टाइम में हुआ था। भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज वज्रपाणि, मंजुश्री, पद्मपाणि और मैत्री। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जो है किस किस नाम से भी जाना जाता है? वज्रपाणि, मंजुश्री, पद्मपाणि और मैत्री। आपके पास सारे ऑप्शन है अवेलेबल आपके स्क्रीन पे। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? पद्मपाणि। पद्मपाणि के बारे में बताया गया है कि बोधिसत्व जो अवलोकितेश्वर है वो पद्मपाणि भी कहा गया है। आप देख सकते हो ऐसी कुछ मूर्ति है पद्मपाणि की। इसको त्रिभंग पोजिशन में है। त्रिभंग मतलब थ्री बेंट। देखिए एक इनके गले पर बेंट है, एक इनके कमर पे बेंट है और इनका पैर जो नी के पास है वो बेंट है। थ्री बेंट हो गया आपके। आपके नेक पे है, ठीक है, आपके कमर पे है और दूसरा तीसरा क्या है आपके नी पे बेंट है। ओके तो ये ध्यान रखना है तीन बेंट है इनके, तो इसलिए इसको त्रिभंग और थ्री बेंट पोज भी बोला गया है। पद्मपाणि और लोटस बीरर भी बोला गया है। लोटस बीरर क्यों बोला गया है? लेकिन इनके हाथ में लोटस है। ओके तो ये है अवलोकितेश्वर। और बोधिसत्वा ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति खुद को मोक्ष करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को हेल्प करने के लिए, एनलाइटमेंट में उनको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए। अवलोकितेश्वर का मतलब है लॉर्ड हु लुक्स डाउन विद कंपैशन। कंपैशन मतलब हो गया आपके क्या, करुणा से, प्यार से किसी लोगों को देखना। लुक डाउन विद कंपैशन, भूलना नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीन यान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। बोधिसत्व जो कंपैशनेट है क्यों? क्योंकि इसका जो बोधिसत्व आत्मज्ञान के मार्ग पर एक दयालु व्यक्ति है। बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज सेल्वेशन टू हेल्प सेंटीमेंट बिंग्स ऑन द पार्ट टू इट। बोधिसत्व अपने मोक्ष को प्राप्त करने में देरी करता है ताकि उस पर आने वाले प्राणियों की मदद कर सके, ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो सही है अपने हिस्ट्री का, लॉजिक लगाइए सही हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है इससे रिलेटेड। देखिए टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक के बाहर से कुछ नहीं है, टॉपिक साथ में कवर होता जा रहा है आपका सारा का सारा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा छूटेगा नहीं। सारे वीडियोस बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी है टू थ्री ओनली। बोधिसत्व क्या है? कंपैशनेट है इज हिज वे टू एनलाइटमेंट। आत्मज्ञान के मार्ग पे दयालु व्यक्ति है। बोधिसत्व का मतलब मैंने आपको बताया जो कि ज्ञान को प्राप्त करे और ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे लगा रहे। डिलेज इन अचीविंग सेल्वेशन ये भी बता दिया कि अपने सेल्वेशन को, अपनी मोक्ष की, मोक्ष को प्राप्त करने को डिले कर देता है ताकि लोगों की हेल्प कर सके। दूसरा था ये क्या कॉन्सेप्ट जो बोधिसत्व का है वो सेंट्रल अराउंड है हीन यान के। तो मैंने बताया बौद्ध धर्म क्या है, दो चीजों के पीछे सेंट्रल है, हीन यान और महायान। तो ये महायान हीन यान नहीं है इसका। देखिए वर्ड जो बोधिसत्व है इसको तोड़ते हैं। बौद्धि का मतलब है एनलाइटमेंट। बौद्ध क्या थे? उनको एनलाइटमेंट हो गया था। तो बौद्धि का धर्म है, बौद्ध जो है, बौद्ध जो है आपके वो क्या है? एनलाइटमेंट। और क्या है? सत्व का मतलब हो गया एशियंस और स्पिरिट, समझ रहे हो आप। तो बौद्धिस्तव का जो गोल है, आइडियल है, वो महायान है। ठीक है, हीन यान नहीं है, महायान है। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बौद्धिस्ट को भी भगवान की तरह मान रहे हैं। महायान डू नॉट एस्पायर टू एनलाइटमेंट प्योरली टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम सफरिंग। महायान क्या बोलता है? महायान जो एनलाइटमेंट जो है, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो सफरिंग से फ्री नहीं है, इसमें ये बोला गया है। बट दे डू सो आउट ऑफ कंपैशन टू लिबरेट अदर सेंटिमेंट। बट वो क्यों करते हैं, एनलाइटमेंट क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि वो लोगों की मदद कर सके। तो ये सारी चीजें हैं।
तो आई होप गाइज आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, फीडबैक जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे, ये आपका लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 4। सारे टॉपिक जो है बुद्ध से रिलेटेड हम कवर कर लेंगे, हम जिस्ट भी देखेंगे कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है उस टॉपिक में, सारे के सारे अभी तक के टॉपिक में, तो वो लेक्चर शायद थोड़ा लंबा जा सकता है। तो गाइज थैंक यू सो मच, और शालिनी मेरा कोड है, आप इसको यूज करना ना भूलें सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम में, SHALINI, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो कोड अप्लाई जरूर करें। तो गाइज फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।